कैसे हैं आप सब, स्वागत करती दीदी की रेसिपी में। तो आज बनने वाला इंस्टेंट सा डेजर्ट, वो भी बिना गैस चला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इंस्टेंट डेजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिया है। तो पिसी हुई चीनी ली है, तो इसे क्या करूंगी मैं, आधा कप पानी ले रही हूँ और उसमें ये दो चम्मच डाल दे रही हूँ। ये नॉर्मल पिसी हुई चीनी है। तो ये हमारा शुगर सीरम रेडी हो चुका है, इसे रख देते हैं साइड में। नाउ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक गहरी सी प्लेट ले ली है, तो उसमें मैं एक कप दूध डाल ले रही हूँ। तो ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो इसमें मैं ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी दो चम्मच, और इसी में मैं डालूंगी मिल्क पाउडर, नेस्ले का मिल्क पाउडर या कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। तो ये भी मैंने एक चम्मच डाल दिया है, मिला लें इसे अच्छे से। और पतला लग रहा है तो मैं मिल्क पाउडर और मिला ले रही हूँ, और अच्छे से फेंट लेना इसे। तो देखिए दोस्तों, दूध को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर, और इसी में मैं डालूंगी केवड़ा एसेंस, तो दो ड्रॉप मैं डाल दे रही हूँ, ज्यादा नहीं। और कुछ मैं गुलाब के पत्ते डालूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पसंद है तो आप डालिए, या तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर ले लिया है, और मैं इसमें डालूंगी ये टोस्ट, यानी कि रस्क। टोस्ट की एक लेयर लगा ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे मैंने तोड़ के लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने शुगर सीरम बनाया है इस पे डाल देंगे, और ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। इंस्टेंट डेजर्ट आप कभी भी बना सकते हैं, आपके घर में मेहमान आ गए या किटी पार्टी है, तो ये काम बहुत आसान कर देगा आपका। बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा, अपने हाथ का बनाएंगे, इतना मजा आएगा। नाउ फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए टोस्ट की दूसरी लेयर लगा ली है, तो इसमें भी जाएगा शुगर सिरम, अच्छे से डाल देना है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने बनाया था ना दूध का घोल, ये इस पे डलेगी, तो चारों ओर अच्छे से फैला लेना है। एकदम अच्छे से फिल कर देना है, ताकि सभी रस अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। इसे हम ठंडा करने लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इस डेजर्ट को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर इसका डेकोरेशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है और मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया। तो अब क्या करूंगी, मेरा फेवरेट काम, इसे मैं सजाऊंगी ये ड्राई फ्रूट से। तो मैंने यहाँ पे कुछ बादाम के टुकड़े लिए हैं, बिछा दे रही हूँ मैं इसके ऊपर, और कुछ मैंने पिस्ता के टुकड़े लिए हैं। तो ये देखिए, बिना गैस जलाए ये कितना इंस्टेंट, बिल्कुल 5 मिनट में बनता है, और इसका टेस्ट एक नंबर। आप तो इसका टेस्ट करके बोलेंगे आहा, और कितना प्राउड फील होता है जब घर पे बनाओ यार इंस्टेंट डेजर्ट, और जो आपके मेहमान है तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंस्टेंट डेजर्ट हो गया है बन के रेडी, तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, अब इसकी काटने की बारी है, देखिए केक की तरह कट जाता है ये। तो ये कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ड्राई फ्रूट से लोडेड है ये। तो देखिए दोस्तों, ये मिठाई बन के रेडी है, तो ये लग रहा है कि टोस्ट है, तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये टोस्ट का है। और खा के देखेंगे तो टेस्ट एकदम लाजवाब है इसका। सो फ्रेंड्स, ये केक की तरह रेडी हो चुका है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो ऐसी रेसिपी के लिए मेरी
तो ये रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनती है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो ये डेजर्ट पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।